अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तकदीर तक के सफर में मेड इन पाकिस्तान इस कॉन्सेप्ट के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को, पाकिस्तान की सॉफ्ट इकॉनमी को इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इसी सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर अपने डिफरेंट स्टार से, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं, सीईओज हैं, जिनकी खिदमात है अपने अदारों के लिए, उनसे हम आपको मिलवाते रहते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज बताते रहते हैं कि जब उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अदारे को ज्वाइन किया था, तब क्या डेफिसिट से, और आज उनकी वजह से, उनकी खिदमात की वजह से, उनकी पॉलिसी, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज की वजह से आज उनका अदारा कहाँ पर है। लाहौर उसमें सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में से एक नाम अगर लिया जाए तो लाहौर का आता है। लाहौर की जब बात करेंगे तो उसमें वासा का जिक्र आना ज़रूरी है। और आज मेरे पास बड़ी ही इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद है जो कि वासा के रूए रुआ तो कह सकते हैं, इस वक्त उनको वाइस चेयरमैन हैं। और जब वासा का अदारा उनको दिया गया था तो वासा के अदारे में बेजानियत थी, और उनके ज्वाइन करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के इस अरसे में वासा कहां पर खड़ा है और वासा ने क्या डेवलपमेंट की है, ये जानेंगे हम उन्हीं से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली मिस्टर इम्तियाज शेख साहब की, जो कि वाइस चेयरमैन है वासा। मेरे साथ आज ख्वाबों से तबीर तक के इस सफर में मौजूद है। हम जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बान। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक के इस सफर में, खुश आमदीद। बतौर वाइस चेयरमैन वासा, हाउ डू यू फील सर? मेरा ख्याल है आई फील प्राउड कि मुझे एक ऐसा महकमा दिया गया है, बहुत बड़ा खसारा है और बहुत खस्ता हाल महकमा है। सिर्फ 24 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, 4 लाख कनेक्शन थे, और मुझे क्या कि ये भेजा गया कि जी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। और जब मैं आया तो मेरा ख्याल दिल्ली गवर्नमेंट साहब की मुझे कहा रही थी, उन्होंने कहा कि दफा हमें तनखाई देनी है कि हमने बिजली का बिल देगा, पैसे नहीं है। नहीं नहीं, पैसे नहीं है। तो इस तरह का महकमा जो है वो महिला, और इसमें कहने के बहुत ज़्यादा सियासी इन्वॉल्वमेंट थी। तो समझ लें कि हमारे AFI जो है, चीफ इंस्पेक्टर दिल्ली में जा रहे हैं, तो मैंने MP कहना चालू तोड़ दिया, कोई यहाँ से बिल नहीं लेगा, जिसकी वजह से लोगों के लाखों रुपये के बिल हुए थे, वो बिल रुक नहीं रहे थे और वो वोट के बहाने उसे रखिए, तो AFI भी आ जाते थे। हमने आके है इस महकमे को जो खान साहब का VN है उसको पानी चलाया, इसको डी पोलिटिसाइज किया, इसमें इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स थी कि अगर हमारे इंजीनियर आए जगह पे पाइप डालने जाते हैं तो वहाँ का काउंसलर अगर कह दे कि नहीं जी ये एस गलीज नहीं पाना है, एस गलीज पाना है, तो एक तो उस पर इतना प्रेशर होता था कि यार ये MPA का बंदा है, MLA का बंदा है, तो अगर मैंने ना किया तो मेरी जो है वो नौकरी को खतरा है या मेरी ट्रांसफर हो जाएगी या एक्सप्लेनेशन कौन है। हमने इसको बिल्कुल डी पोलिटिसाइज किया। वासा कैसा बेहतरीन महकमा है, नौ, ये एक छोटा मोटा महकमा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा महकमा। 9,000 के करीब इसके एम्प्लॉइज हैं, 5,000 के करीब इसका सीवरेज सिस्टम है, 5,000 के करीब ही इसके वाटर सप्लाई लाइन्स हैं, और तकरीबन 700 के करीब इसके 700 किलोमीटर के करीब जो है ट्रेन से, सारे 5,000 किलोमीटर, 5,000 और 700 के करीब, 700 किलोमीटर है, तो ये एक बहुत बड़ा रहता है। और इसमें जो मैंने आके दो चीज़ों को
तो एक तो मैंने इसके रेवेन्यू को बेहतर बनाया, जनरेट किया आपने 24 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था पर मंथ माशाल्लाह से, अल्लाह के करम से बगैर किसी टैरिफ को बढ़ाए हमने इसको 60 करोड़ रुपये का मंथली जी बिल्कुल 36 करोड़ रुपए पर मंथ का इजाफा हमने किया। और इससे फ़ायदा ये हुआ है कि यही जो पैसा हमने किया है, एक तो गवर्नमेंट से जो सब्सिडी बहुत बड़ी मिली थी तो उसमें कमी आई थी काफ़ी हद तक, बल्कि मैं ये समझता हूँ ये ख़त्म हो जानी थी अगर हमारे बिजली का टैरिफ जो है वो इंक्रीज ना हो। यानी जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो 24 करोड़ रुपये के करीब ही हमारा बिजली का बिल होता था, आज वो 50 करोड़ रुपये डबल हो गया, इतनी महंगी हो गई। तो नहीं तो ये इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम तो खत्म है। आज भी हम एक चैलेंज के साथ बात कर सकते हैं, अगर आपको लोग कहते हैं कि कोई तब्दीली कहाँ है, अगर आपको कहीं तब्दीली नज़र नहीं आती तो आप आसानी आ गए, हम आपको बताते हैं आसानी आपको किस तरह टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस प्रोवाइड करने के प्रोलेस कर दिया है, इसको हमने एम्प्लॉइज का चाहे मानिया सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया, एम्प्लॉई को जिस दिन वो रिटायर होता है शायद ये पाकिस्तान में कहीं नहीं होगा कि 5 बजे इसकी रिटायरमेंट है और 5:30 पर उसको चेक का दे देते हैं, बड़ी क्विक सर्विस जी बिल्कुल। और वासा के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो व्यू प्रमोशन है जो पिछली गवर्नमेंट के दौरान रुकी हुई थी सबकी प्रमोशन जो है सबकी प्रमोशन करती है, तनख्वाहों में इजाफे की तरफ लें तो सबका स्कूट लॉक्स लगा दिया गया। फिर पिछली हुकूमत में ओवर टाइम की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, हमारे ट्यूबल ऑपरेटर्स जो हैं वो ओवर टाइम करते हैं, जो सीवर मैन हैं वो काम करते हैं उनका रिस्क अलाउंस यानी वो लगा दिया। फिर ये जो ट्यूबल ऑपरेटर्स हैं उनका हमने यानी कि आम वर्कर के लिए आपने बेटरमेंट के लिए जो इकदाम कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं जी, मोटर बाइक मोटर बाइक्स नहीं आपने हमने उनको जो है इसके अलावा उनको वॉशिंग अलाउंस इस तरह के छोटे मोटे अलाउंस जो करने देते थे वो दिए हैं, फील्ड अलाउंस दिए हैं जो हमारे साथ इंजीनियर हैं, मोटर बाइक्स के अलावा उनको घरों घर भी दिए हैं तकरीबन 600 से 800 लोगों के पास आगे चुका हुआ है और जो बाइक्स का हमने सिलसिला चलाया है वो एक ऐसा है कि शायद पाकिस्तान में पहले शायद किसी ने बात चलाया हो, छोटी किसान कह सकता हूँ कि हमने माल का ना होते माली में होता थी ये वाबासा की मोटरसाइकिल है उसी तरह मिस यूज हमने कहा कि ये आपका लेंस लॉस हमने काट रहे हैं, ये जब आप अगर सीडी 70 है तो जब आपके ये पैसे पूरे लेंगे 70,000 की है तो ये मोटर बाइक आपकी हुई तो उसे यानी कि अच्छा हो गया तो उसी पैसों से हम और बाइक्स लेके लोगों को दिए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी ये मैंने अभी इसका वर्किंग पेपर तैयार करा है कि हम ऑफिसर्स को भी गाड़ियाँ दे रहे हैं इसी स्कीम के तहत के वो भी मेरी उनकी गाड़ी अपनी हो, मेंटेनेंस भी उनकी अपनी होगी, यहाँ पे मेंटेनेंस की बात पे पता नहीं कितने पैसे खर्च होते हैं मैं आपको बता नहीं सकता कि ये आई हैव आईडिया कि आई नो होते हैं। तो जब गाड़ी भी उनकी अपनी होगी कार भी उनका अपना होगा जाती तो मेंटेनेंस उनकी सेटिस्फेक्शन होगी काम अच्छा होगी उसकी केयर भी होगी उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी होगी। तो इसका भी वर्किंग पेपर हमने तैयार कर लिया है गाड़ियों का, ये ऑफिसर है उनको भी इसी तरह जो है किस्मों पर गाड़ी जो है ताकि उनकी अपनी गाड़ी जी सब। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें आप बता रहे हैं, बड़ी अच्छी डिपार्टमेंट बता रहे हैं, जबकि ये तस्वीर का दूसरा रुख अगर हम देखें वासा ये जैसे कि एलडीए कमाऊ पुत्र अदारा था और वासा के मतलब कहा जाता था ये खाऊ पुत्र अदारा है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेफिसिट्स है, करप्शन भी रही है भी होगी भी, तो आपके आने से जो आपकी तस्वीर का एक मुझे रुख बताया है कि सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा अभी भी डेफिसिट्स हैं और इसके ऊपर लॉन्स भी हैं, आए दिन पता चलता है वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई ना कोई डिबेट मिल रही है आप लोगों को, जापानीज की तरफ से बात, और पंजाब अब लाहौर की बात करें तो बहुत सारे जितने वो फिल्टराइजेशन के वो प्लांट्स थे वो सारे अभी वो भी एक्टिव नहीं है, तो वो उसके लिए आप लोग क्या करें बतौर वाइस चेयरमैन आप उसको कैसे देखते हैं? जो पहला एक जो हमारा जो
सेगमेंट हुआ है वो तो मैंने आपको बताया कि अदारे अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी आपने, क्योंकि जब तक आपका एम्प्लॉई जो है खुश नहीं होगा, तो हमारी तरफ से जब इतनी फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट की डिमांड एक ही है, अच्छा काम कि आप अपना 100% है वो फर्ज समझ के करें, आपके घर की जमीन्स की, आपकी हेल्थ की, आपके बच्चों के एजुकेशन की जिम्मेदारी जब हम ले रहे हैं, तो आपने फिर काम क्या करना है, एक ही करना है कि वो पब्लिक को करना है। अब आपकी अगर बातें हैं कि जी ये मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर में हमारा काम है इसलिए कर रहा है, हमने कंप्लेंट सेंटर को डिजिटलाइज कर दिया, पहले पर्ची सिस्टम होता था, हाँ। तो पर्ची लिखते थे उसके ऊपर कोई, अब डायरेक्ट जो है इसका डैशबोर्ड मेरे पास, एमडी साहब के पास, और इंशाल्लाह अब डायरेक्टर के पास आएगा कि इस टाउन में कितनी कंप्लेंट्स हैं, कितनी सॉल्व हो गई है, डिजिटली कर दिया है, अगर कोई कंप्लेन है 24 घंटे से ऊपर चली जाती है तो इसको एस्केलेट कर देते हैं, यानी पब्लिक को भी हमने एंगेज किया, इसमें बहुत ज़्यादा खुली कचहरी लगाई, लोगों के प्रॉब्लम सुने, उनको हल किया, और पिछली मानसून में और पिछली दूसरे मानसून में आप खुद देखा करते थे कि हमारे वज़ीर-ए-आला साहब बड़े बड़े बूट पहन के सड़कों पर खड़े हो जाते थे और तस्वीरें बनाते थे, तो मुझे तो उस वक्त भी हंसी होती थी कि इस बंदे का काम इस चीज़ को सॉल्व करना, ना कि इसमें खड़े होना है, तो वो उसको खड़े होना एक एजाज की बात समझते थे। हमारे तो वज़ीर-ए-आला साहब किसी जगह बूट पहन के नहीं आए, और हमारे पूरे एम्प्लॉइज ने इतनी मेहनत की है कि आपको अभी भी मैं आज हो क्या रहा हूँ समझ के अंदर घुसे हुए हैं, और वहाँ से ब्लैंक पेट निकाल रहे हैं, तकिए निकाल रहे हैं, क्या क्या निकल रहा है। ओके, तो आपके प्रोग्राम की वजह से मैं, मुझे आज बड़ा अफसोस भी हुआ कि बेचारे लोग अंदर निकाल रहे अपने सीवरेज सिस्टम में, हमारा आपकी मलकियत है, आपकी गली का सीवरेज सिस्टम आपकी मलकियत है, आपकी जो गली में वाटर सप्लाई लाइन है वो आपकी मदद उतार रहा है, इसके अंदर जो है करना, इसके अंदर कोई ड्रेन में कोई ऐसी चीज़ें ना फेंकें जो कि ऑब्वियसली वो हमारी प्रॉपर्टी अपनी एसेट है, प्रॉपर्टी अगर आप खुद वो ठीक केयर करेंगे, एजुकेशन की कमी ना, लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं आप, वो हमने इंशाल्लाह उसके सेमिनार भी अब रखे हुए हैं, परसों भी हमारा एक सेमिनार है, वे अवेयरनेस कैंपेन्स करें उसको, जो हमने की बहुत ज़्यादा कैंपेन्स किए हैं, यूनिवर्सिटीज के और स्कूल के वाटर कंजर्वेशन पे हमने कितनी कंप्लेंट की है, अल्लाह का शुक्र है कि 24 घंटे पानी की सप्लाई होती थी और धागे टूटियाँ भी लगी होती थी, जब हमने एक कंप्लेन डिज़ाइन की स्कूलों कॉलेज में खवातीन को साथ मिलाया, अब जो है उसको हमने 12 घंटे कर दिया, 10 घंटे कर दिया, और लोग सेटिस्फाइड, ये नहीं है कि अब लोग सेटिस्फाइड नहीं है, पानी उनको मिल रहा है, अब खुद देखें कि आप कितना पूरे 24 घंटे में सुबह उठते हैं, शाम करते हैं, पानी की लोड शेडिंग नहीं है, आधे घंटे का पानी आप पूरे से सारा दिन का वजू भी करते होंगे, तो आधा पौना घंटा है आप 24 घंटे, तो आपको 10 घंटे पानी मिल रहा है, तो आपकी अगर टैंक लगा हुआ तो आपको 24 घंटे पानी बड़ी सी सप्लाई मिल रही है, लेकिन जो एक डेंजरस लेवल था एक्सट्रैक्शन हम कर रहे थे पानी की जो है अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा फाइन है, 1 मीटर पानी है नीचे जा रहा, हमारी गवर्नमेंट ने आके ये थोड़े से रूल सेट किए हैं, आवाम ने पहले पहले लगाई नहीं निकाली है, लेकिन अब आवाम समझती है, उनको समझ आ गई है कि अगर हमने ये पानी इसी तरह ज़ाया करते रहे तो एक वक्त आएगा कि हम भी साउथ अफ्रीका की तरह या जॉर्डन की तरह दो दो घंटे पानी ना, बल्कि हमारे अपने मुल्क में आते और लाहौर को अल्लाह ताला ने इतना स्पेशली पंजाब में अल्लाह का शुक्र है, सब शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, पानी भी बेहतरीन है, और आपने फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बात की है, अब फिल्ट्रेशन प्लांट मालिक के हुकूमतों में जो है वो इस तरह लगाए गए कि जो आप एक लाहौर में ही फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहा है, LMC लगा रहा है, LWMC लगा रहा है, कोई लोकल गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक हेल्थ सारे लगा रहे हैं, हालांकि एक की ड्यूटी होनी चाहिए जिससे मेंटेनेंस करना, वासा के जो लगे हुए हैं वो हमने जो है स्ट्राटा सिस्टम के तहत एक कमरे से 560 के साथ हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट में मॉनिटर है, उसका लेवल मॉनिटर हो रहा है, उनकी क्वालिटी मॉनिटर है, वो एक्टिव है, वो एक भी खराब होता है वो जनरेटर में चल रहा है वो बिजली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक कमरे से हम उसको करते हैं,
इसके अलावा हमने बहुत सारे ट्यूबल जो है वो मैनलेस कर दिए, डिस्पोजल स्टेशन जो है उनको भी मैनलेस कर दिए, यानी वो ऑटोमेटिकली ही ऑपरेट होते हैं, वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली उनके जो है टाइमिंग से कैसे बात साथ वो चलता है, टाइमिंग के साथ हो जाता है। और इससे हमें बिजली का बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ है। एक डिस्पोजल स्टेशन हमारा बहुत बड़ा डिस्पोजल है, 6 महीने में 35 लाख रुपये तो हमने इसलिए बचाए कि वो जो हमारा कुआं होता है वो उसका लेवल के मुताबिक हमने आगे कितनी मोटर चली, हमारा अगर एक बंदा है वो हो सकता है सारी मोटर से चलाई, लेवल के मुताबिक मोटर चलती है कि एक मोटर चली है लेवल ऊपर चला गया, दो मोटर चली है लेवल में चली है, इस तरह। तो वो ऑटोमेटिकेशन करने से हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। आप करप्शन की बात कर रहे थे, मैं अभी ये नहीं आपको क्लेम कर सकता कि मैंने कर दिया है, लेकिन मैं ये आपको क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ हमने 70% करप्शन जो है। माजी में ये होता था कि जनाब एक ही लाइन डली है तो 6 महीने बाद आप फिर क्लेम कर सकते हैं, 6 महीने बाद फिर क्लेम कर सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को लिमिट किया, हमने इसको GIS मैपिंग कर ली। अब तो हमारे GIS मैपिंग में अगर आप अभी चले जाएँ तो आपको हर छोटी सी छोटी गली में कितने इंच का पाइप है वो पता चलेगा, उसकी क्या डेट है जब वो डला है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये हमने सारा आके कर दिया। अगर कोई दोबारा से उस बिल को डालना चाहेगा तो वो नहीं है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। नाजरीन, आपने देखा कि शेख इम्तियाज साहब बता रहे हैं कि 70% तक करप्शन उन्होंने इस अदारे में ख़त्म कर दी, जो कि बहुत खुशाइन बात है। अभी से आगे जाने की हम शेख साहब की कहानी, शेख साहब की जबानी इस वक्त लेते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जब क्रिकेट का जमाना था उसी वक्त उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी और उनका जो है मेरिट के लिए डट जाना और बड़े स्टार्स उन्होंने कर रखी है, क्योंकि शायद कोई और कप्तान होता तो वो शायद ना बनते, जैसे वसीम अकरम साहब है वो कहते हैं। मैं तो एक क्लब में बॉलिंग कराता था तो बैटिंग करवाने आया, जहाँ मैं प्रैक्टिस करवाने आया तो खास हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया में हम लेके जा रहे हैं ये तो उससे बेहतर वो बॉलिंग करा रहा था, उनके तुम भी जाओगे। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है वाइस चेयरमैन वासा लाहौर शेख इम्तियाज महमूद साहब। ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में हम उनसे बात करते हैं। जी शेख साहब, अच्छा शेख साहब ये बताइए, लाहौर की गलियों में पलने वाला खेलने वाला एक नौजवान लड़का, एक बैंकर, ठीक है, बाय प्रोफेशन, उसके बाद फिर कैनेडा, ये कैनेडा से होते हुए ये सियासी सफ़र कहाँ से शुरू होता है और फिर खान साहब के साथ किस तरह से आपकी एप्लीकेशन बनी, यानी उनकी एसोसिएशन हुई और फिर आपने तरीके इंसाफ PTI कैसे ज्वाइन किया, बतौर सियासी कारकुन आज इस ओहदे तक खान साहब की तरफ से मेहरबानी है कि ये भी मैरिट है, इसको क्या कहते हैं? पहली तो आपकी बात का वो जवाब दे दूँ कि जब हम मैं कैनेडा में होता था तो ओवरसीज पाकिस्तान में थे ना, तो जो जाके चेंज देखते हैं उनके दिल में काश कर देती यार हमारा मुल्क इस तरह का क्यों नहीं, वो ज्यादा दर्द दिल रखते हैं। वो हमारे यहाँ तो तक यार ये इतनी इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, तो हमारे हमारे मुजलिस हैं और हम जाते हैं वन विंडो पे सारा हमारा काम हो जाता है, दूसरी दफा आने का कंसेप्ट नहीं है, आज का काम कल पे नहीं होना ऐसे, ठीक है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है, एक दर्द दिल वहाँ पे जाके जब तक आप एक चेंज एक्चुअली वो रियल पाकिस्तानी होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं वो ज्यादा दर्द महसूस कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, फर्क उनको नजर आ रहा होता है। तो हमारे दिल में भी यही आता था कि यार पाकिस्तान में क्यों नहीं है पार्किंग सिस्टम, क्यों नहीं है ये, मतलब पानी साफ क्यों नहीं है, हमारे जो अदारे मजबूत क्यों नहीं है, यहाँ पे आते हैं करप्शन क्यों है, ये इस तरह की चीजें दिमाग में आती थी। तो मेरा एक भाई भी था वो इंग्लैंड में होता था, मैं इधर कैनेडा में होता था, तो एक था एक दिन क्योंकि तरीके साथ हमने उसी वक्त ज्वाइन कर ली थी जिस वक्त खान साहब ने उसको अनाउंस किया, ठीक है, तो हमारे घर में भी आए तो मैं कभी कभी वो वीडियो में देखता हूँ तो मैं छोटा सा नजर आ रहा हूँ उस वक्त जब ज्वाइन की, लेकिन हम फिर गरुण चले गए। तो 2005 में जब हम दोनों वापस आए किसी शादी पे, तो मेरे ब्रदर ने कहा यार खास अब करते हैं तो फिर एजुकेटेड लोग जो हैं वो आप उनसे एक दफ़ा मुलाकात करें, और हम गए तो खास आप बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे,
तो हम थोड़ा सा रुक गया था वो बस में, तो कहा और ये तुम दोनों बैठो बैठो गाड़ी में, हम पीछे बैठ गए वो आगे बैठ गए। तो कहते यार तुम लोग जैसे नौजवानों की जरूरत है और पाकिस्तान के लोग, तो आप जो है अपने से कोई सियासत भी आ जाए। तो फिर हमने घर में जाकर सोचा, तो हमने डिसाइड किया कि आप और उनका जो है मेरिट के लिए डट जाना और बड़े स्टार्स उन्होंने पैदा किए हैं जो कि शायद कोई और कप्तान होता तो वो शायद ना बनते। जैसे वसीम अकरम साहब है वो कहते हैं मैं तो एक क्लब में बॉलिंग कराता था तो बैटिंग करवाने आया, जहाँ मैं प्रैक्टिस करवाने आया तो खास हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया में हम लेके जा रहे हैं ये तो उससे बेहतर वो पहले बॉलिंग करा रहा था, उन्होंने कहा तुम भी जाओगे। तो इस तरह खान साहब तो अभी भी तो आपके पास वसीम अकरम 2 है जी बुजदार साहब की शेर। देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लोग जो है पीछे पड़े उनके पॉलिटिक्स में चलता रहता है शेख साहब। मैं ये देखें हमें ये जो वासा का महकमा है ये वहाँ से कंट्रोल होता था, हर वक्त वहाँ से प्रेशर आता था किसकी ट्रांसफर करनी है, किसकी पोस्टिंग करनी है, किसको पक्का करना है, किसको किसने कमीशन जानी है। यहाँ ये ऑफिस जो है ये तो एक ट्रेडिंग ऑफिस है ना, ये यहाँ से पैसे ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। हमें तो उन्होंने आज तक नहीं पूछा, हमारे ऑफिसर जो है इंटरफेयर नहीं किया कभी, नेवर नेवर। उन्होंने अच्छे काम किए, हमें शाबाशी दी और इसको शाबाशी को हमने अफसरान को भी दिया। माजी में क्या होता था, स्टंट किया है जी आए तो कसूर किसका है, तो जनाब ये फलाह बंदे को करके चले गए। ऑफिसर्स की हमारे इधर कोई कह लें कि इज्जत नहीं थी, कोई ना कोई किसी ना किसी मेरा पर्चा भी कटवाया हुआ है नाजायज। हालांकि मैंने जब आपके देखा हमारे 100 से ज़्यादा इंजीनियर हैं, बड़े जो है मुजरस है और वो बड़े मेहनत से काम करते हैं। मैं 6 बजे 10 बजे रात के, बल्कि किसी दिन 12 बजे भी रात के बारिश हुई है तो बाहर निकला हूँ तो लोग ड्यूटी पे मौजूद है। तो इन लोगों को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लाहौर का पानी निकालना बड़े स्मूथ पॉइंट्स है। पिछली दफ़ा आपने देखा तो बात बीच में लगी थी कि पानी नहीं खड़ा हो गया क्योंकि उसमें एक पूरी एक साल पहले ही मेंटेनेंस कुछ उस पर आते हैं, बात वहीं से आते हैं कि भी वो क्योंकि फाकू से तबीर तक का सफ़र है तो ये सक्सेस स्टोरी कैसे हुई, यानी कि आप खान साहब से मिले उसके बाद। उसके बाद मैंने यूनियन काउंसिल में काम करना शुरू कर, ठीक है। फिर बतौर काउंसिलर मैं ही नहीं बिल्कुल एक वर्कर की तरह वो लगा लेनी कहीं पर बेंच लगा लेना और मेम्बर साजी करनी शुरू कर दी, रिकॉर्ड मेम्बर साजी की मैंने। तो खान साहब ने मुझे शाबाश दी तो मुझे लाहौर का जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया उन्होंने, पहले एक कॉन्स्टिट्यूंसी का सदर बनाया, फिर लाहौर का जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया, फिर मैंने रीजन का जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया, फिर लाहौर रीजन का मैंने दौरा करवाया खान साहब का और 60 के करीब जलसे करवाए। और फिर 30 अक्टूबर का जलसा जो था उसमें मेरा बड़ा रोल था, वो तस्वीर आप देखेंगे वहाँ साहब तस्वीर है। उस वक्त हमारा एक ही XIPA हमारी पूरी पार्टी में था, तो खान साहब के बहुत करीब हो गए, काफ़ी उनके साथ ट्रैवल करने का मौका मिला, पूरे पंजाब का चक्कर भी लगाया हमने मेरे साथ बैठ के। तो मैं बस रियली इम्प्रेस के लिए उनका उसके अंदर मैं नहीं है बिल्कुल कि मेरे लिए क्या है, यानी खाना अगर आपने ट्रक होटल पर भी बैठ के उनको खिला दिया ना तो उन्होंने खुशी खुशी खाना खा लेना है, कपड़े जिस तरह के मर्जी पहने हुए हैं, बैग कोई भी पकड़ा हुआ है, बैग फटा हुआ है। मैं देखा कि एक देखिए हम जो उल्फा राशिदीन को अपना रोल मॉडल करते हैं उनके भी वो कहते हैं कि पैचेस लगे हुए थे, तो इस तरह तो जो उनको शौक नहीं है कि गाड़ी को रोड़ देती तो उनके कोई इस तरह का शौक नहीं है, उनका सूट जो है वो रुची या मानी का हो जो करना। एक दफ़ा मैंने उनकी पीछे ने लिटरली वो कॉलर जो है वो फटी हुई देखी, मैंने पीछे देखा तो मैं उनकी मुल्क के साथ मोहब्बत से इंप्रेस इंप्रेस होता गया। और मैंने उदे की कभी ख्वाहिश नहीं की कि मुझे कोई अहदा मिले और ना ही मैंने रिक्वेस्ट की कभी। खान साहब ने जब भी जिस जगह पे एक लाया वो कप्तान है उस जगह पे हम खेले, जिस जगह से उन्हें पीछे किया पीछे हट गए,
और जब टिकट 2013 में मुझे टिकट मिला, मैं कंपेन कर रहा था, तो एक बार मेरा टिकट जो है वो वापस हो गया। मैंने फिर भी पार्टी के साथ इसी तरह काम किया, मुझे रखा भी नहीं सी थोड़ा हुआ, तो खान साहब के सामने बैठे हुए थे, तो खान साहब ने कहा यार इतिहास तुम्हारा बदल गया, तुम फिक्र ना करो, जो जब भी हुकूमत में आएंगे सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा नोटिफिकेशन होगा। मैंने कहा सर मुझे नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, देखे बाप इंजीनियर तो बन जाएंगे, तो मेरी खुशी जो है उससे मैं घर बैठे अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझूंगा। तो खान साहब ने फिर उस वक्त जमीन तरीन साहब थे, शाहरुख कैशी साहब बैठे हुए थे, कह रहे हैं ये है मेरा वर्क। और वाकई उन्होंने जब आए तो मुझे उन्होंने पूछा है कि कहाँ पर काम करना है, क्योंकि मुझे लाहौर से मौका था, मैंने कहा मैं लाहौर ही रहूँगी, मैं लाहौर ही, हमें लाहौर के अलावा कनाडा में हम रह सके, हम अमेरिका में नहीं रह सके, वहाँ की सिटीजनशिप थी हमारे पास, कहीं भी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, लेकिन हम नहीं रह पाए लाहौर के बिना। तो लाहौर की जो तीन बड़ी जीतें थी उसमें से एक उन्होंने ली, और मेरा अभी उनके साथ रब्ता रहता है, ज़रा की कोई प्रॉब्लम आए और वो जो है फौरी तौर पर उसको सॉल्व करते हैं, गुजरात सबके भी काम है कभी किसी किस्म, यानी कि आज भी खान साहब अपने इतने करीब हैं आप लोगों से कि बस हम दूसरे दोस्तों से आपसे मिलते रहते हैं, नहीं मुलाकात तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ गया हुआ खान साहब की तुमसे, मुलाकात तो इस तरह नहीं होती। हाँ। ये एक है कम्युनिकेशन है, वो मुलाकात पहले तो ये होती थी, खान साहब के कमरे में बैठे हैं, हम तकिया लगाए हुए हैं, खान साहब नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है खान साहब तो गाड़ी में जा रहे हैं, किसी ट्रक होटल में खाना खा रहे हैं, वो चीज़ें तो अब नहीं रही ना। लेकिन अब ये है कि हमारा कम्युनिकेशन थ्रू SMS रहता है, और खान साहब हमेशा हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं करा, तो सही काम तो नहीं, ये हमारे और हमने उसी पर अमल किया है, और नीयत साहब के साथ रहेंगे हैं वासा में। मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि जितनी भी घूमती आई वो सारी कट्टी होके आ जाए, और ये ढाई साल लगा रहे हैं, ठीक है। अगर इतना काम तो हुआ होगा तो मैं रिजाइन करके चले जाऊंगा, ये मैं मेरा पार्टी वालों का भी ऑन रिकॉर्ड चैलेंज है, मेरा नून लीग वाले जो 30 साल हुकूमत की है उनको भी चैलेंज है, आ जाए। अगर आप साबित करेंगे कि नहीं जी उनके 30 के 30 सालों में ज़्यादा काम हुआ है, आपके 2.5 साल में कम हुआ है, तो मैं रिज़ाइन करके चला जाऊँगा, मैं ये उनको आज कोई भी मेरे साथ बोला। चले जी बहुत अच्छी बात है, शेख साहब का कहना है कि अगर मैंने डिलीवर किया है, ऑब्वियसली डिलीवर किया है, इन्होंने मेरे साथ कोई भी आके बहस भी कर सकता है और मुवाजना भी कर सकता है गुज़श्ता अदवार से, अदरवाइज मैं यानी कि आज भी अगर कोई ऐसी करप्शन का केस भी सामने आता है तो मैं रिज़ाइन करके चला जाऊँगा, क्योंकि मैं एक ख़ास मकसद के लिए अपनी पार्टी की तरफ से इस अदारे को सर्व करने के लिए आया हूँ। हम आगे जानेंगे वक्फे के बाद शेख साहब से बतौर वाइस चेयरमैन इस अदारे का फ्यूचर क्या है करीब में, तो एक छोटा सा स्मार्ट सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दूसरा ये है कि इसको पूरी और भी ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, वो सबसे अच्छा ताकि करप्शन खत्म हो जाए, रेवेन्यू हमारा ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है, फाइनेंस जो है वो होने वाला है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हो चुका हुआ है, पेपरलेस हो चुका हुआ है, जो डिजिटलाइजेशन है कंप्लेंट की वो भी फाइनल मराहल में है, जो है वो इंशाल्लाह वो हो रहा है। तो वासा को मैं अभी एक हमने ऑपरेट सेंटर का इफ्तिताह किया। वेलकम बैक नाजरीन, मैं वासा लाहौर में उस वक्त मौजूद वापस से कबीर तक के सफ़र में, वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज महमूद साहब हमारे साथ है, जो किसी कारोबार में बड़ी खिदमत है उनकी अपनी पार्टी के लिए और अपने अदारे के लिए। जी शेख साहब वासा का फ्यूचर क्या देखते हैं आप, यानी कि PTI के हवाले से बतौर अदारा आप इसको कहाँ पर देख रहे हैं और कहाँ छोड़ के जाना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि वासा में अभी बहुत ज़्यादा काम होने वाला है और जिस पर हमने काम शुरू कर दिया, जैसा कि दरिया में हमारा डेलीफिक वाटर वेस्ट वाटर डायरेक्ट जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, तो इसको जो है ट्रीट करके हमें एग्रीकल्चर के जो है हमने साथ के करीब जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो डिज़ाइन कर दिया है, तो वो लगाना चाहिए,
दूसरा लाहौर के लाले जो है वो टनल बिल्डिंग के लिए अंडर ग्राउंड करना चाहते हैं, ये वो अंडर ग्राउंड हो जाए ताकि इसमें जो गैसेस खारिज होती हैं मुख्तलिफ इक्विपमेंट के लिए भी खतरा होती है और इंसानी सेहत के लिए और उसके लिए भी खतरा होती है, एक तो वो हम करना चाह रहे हैं। तीसरा ये है कि इसको पूरा और भी ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, डिजिटलाइज करना चाहते हैं, वो सबसे अच्छा है ताकि करप्शन खत्म हो जाए। रेवेन्यू हमारा ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है, फाइनेंस जो है वो होने वाला है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हो चुका हुआ है, पेपरलेस हो चुका हुआ है, जो डिजिटलाइजेशन है कंप्लेन वो भी फाइनल मराहल में है इंशाल्लाह। तो वहाँ को मैं निकम ने कॉपरेट सेंटर का इस्तेमाल किया है जो कि इंटरनेशनल सेंटर का, उसकी वजह से आपको देखें कि वो इस स्टैंडर्ड का है कि जब आप शायद किसी बैंक में जाते हैं टोकन लेते हैं और टोकन लेते बाइज तौर पर बैठते हैं और आपके बारे में जाते हैं, तो एक हमने डेवलप कर दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि वासा के तमाम प्रोग्राम इसी तरह हो और वासा के हेड ऑफिस को बहुत बड़ा और बहुत अच्छा तरह से लोगों को खिदमत हो सके, वो भी इंशाल्लाह वो अक्टूबर में कंस्ट्रक्शन है और पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर तक वासा के एम्प्लॉज जो है मैं चाहता हूँ कि वन ऑफ द हाइएस्ट रेट हो ताकि वो करप्शन जो है वो खत्म हो जाए, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस की बेस्ट हो। मैं ये चाहता हूँ कि उनके बच्चों की जो है एजुकेशन की जिम्मेदारी और उनकी हेल्थ की जिम्मेदारी, उनकी कन्वेंस की जिम्मेदारी, उनकी हाउसिंग की जिम्मेदारी उन्हें वासा जो है वो पूरी करें और उनका सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हो जाए, फ्री ऑफ माइंड बैठे सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन ऑफिस में बनाना चाहता हूँ, गाड़ियाँ बेहतरीन से बेहतरीन और उनको घर अच्छे मिले, काफ़ी जो है पार्टनर्स जो है हमें और करनी है, काफ़ी और करेंगे इन शाला तला। एक तो ये है कि हमने अपने इदारे को उसकी अपनी इज्जत जो है उसको बनाना है और फिर हमें अपने लाइफ की जो है यानी कि उनका स्टैंडर्ड आपने करके और फिर उनको पता हो कि अगर ये जॉब मेरी चली जाती है तो ताकि करप्शन का खात्मा हो। मैं ये सबका करप्शन का खात्मा सिर्फ उसी तरह मुमकिन है कि अगर हम इतनी पे और इतना उनको टिक टॉक कर दें नीचे कि वो सेल्फ सस्टेन हो जाए और उनको करप्शन करना जरूरत पड़े और फिर करप्शन की सज़ा इतनी सख्त होनी चाहिए कि माफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कैसा हो जाएगा आपके? अभी मैं ये समझता हूँ कि अभी हो चुका हुआ है, अभी लोग डरते हैं, अभी नहीं होता कि फौरी तौर पर कोई जाके ऐसे पैसे मांगते थे लोग अगर इतने ज्यादा इंसेंटिव मिल रहे हैं तो फिर भी आपने करप्शन कर दी है तो फिर आपको हम जॉब को नहीं देंगे। जैसे कि खान साहब का ख्वाब है कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री होना है, वो होके रहेगा। इसी मकसद के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, इसी मकसद के लिए मैंने वासा ज्वाइन किया था और इसके लिए जो है मेरे पास मुझे अटैक ही हुए लेकिन जिंदगी में बहुत अल्लाह के हाथ में आपने अल्लाह तुम जवाब देना है। और पानी का मुझे इससे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी ज़ाया मत करो चाहे दरिया के किनारे मत करो, तो मैं वाटर कंजर्वेशन पर बहुत काम किया भी है और सदका जारी है जी पानी का, यानी असल में बचाना। और आपके प्रोग्राम के हिसाब से अगर छोटे छोटे हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर लें ना, जैसे हम सुबह नहाते हैं तो ऐसे शावर छोड़ा हुआ है तो हम शॉर्ट टाइम में शावर ले लें, ब्रश करते वक्त नल को बंद कर लें, शेव करते वक्त हम मग का इस्तेमाल कर लें और पूल्स में बच्चे खेल रहे हैं तो उसको पानी ज़ाया हो रही है, वो चलो पूल्स भी इस तरह के होने चाहिए कि वो पानी रिसाइकल हो, वो तो एक रिक्रिएशन है, वो पूल इस तरह के ना बनाए कि आप हर रोज पानी बोले हैं, पूल तो साल में एक बार पानी भर लें उसके अंदर सिस्टम लगा होता है वो होता है। इसके अलावा गाड़ी पार्टी के साथ दो प्लांटर्स को जो है प्लांटर्स के साथ दे रहे हैं, जो टूटियाँ जो है किच टाइम पर रखती हैं उनको तौर पर साफ कर लें, छोटी छोटी एग्रीकल्चर सब चेंज कर लें तो हम डैम्स के बराबर सिर्फ लाहौर में हो जो है सवा करोड़ बाकी है, तो
तो 10 लीटर भी आपके पैदल जांचें कर रहे हैं सारी बिल्कुल, तो समझने के यार अब लीटर पानी है बिल्कुल ही, पानी एक नेमत है। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज आप एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से हमारे व्यूज को लाहौर के हवाले से देना चाहें तो आप दे सकते हैं? वासा जो के मुलाजमी जो है, मैंने देखा कि जो रात काम करते हैं वो आपको नहीं है, उनसे दोस्ती करें, अगर कोई करप्शन करता है तो उन्हें शिकायत करें और पानी कंजर्व करें, पानी बहुत कीमती अल्लाह तला की नियमत है, उसको बचाएं। सीवरेज सिस्टम में जो है गंदना फेंकें बिल्कुल, और अपनी ड्रेन जो है उसको गंदना, वो आपकी अपनी मलकियत है, आपका फेंका हुआ एक चॉपर बैग सड़क पर कल को आपकी गाड़ी के लिए, आपकी की बाइक के लिए या आपकी बाइसिकल के लिए, ये जो है जहमत का बाइस होता है। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आज आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, हमारे जो स्पॉन्सर कंपनी है मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज, पाकिस्तान के लार्जेस्ट ग्रुप है ये। जी जी, मुझे आइडिया है उनका, तो ऐड भी देखते हैं। जी बिल्कुल, और ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, उन्होंने ये आपके लिए गिफ्ट भेजा है जो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप पापों से तबीयत तक इस सफर में मेरे साथ मेहमान थे, और ये भी उस पाकिस्तानी होने के नाते अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत सही तरीके से दिया और मुझे पहला गिफ्ट मिल रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये बड़े एजाज की बात है। चले जी, ये मॉडल स्टील को और एशियन ट्रेड टीवी को एजाज जाता है कि शेख साहब ने इस चीज को माना है। ठीक है सर, ये बहुत शुक्रिया। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।